सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे आप लोग, आप अच्छे होंगे। सो आज मैं आया हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर सामने, और इस ब्लॉग में मैंने हर एक चीज़ की डिटेल्स प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन की है कि आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक कैसे ट्रैवलिंग करना है, उसका कॉस्टिंग क्या रहेगा, यहाँ पे एंट्री फीस कितना है, और ऑनलाइन बुकिंग भी कैसे करना है, वो हर चीज़ की मैंने डिटेल्स इस ब्लॉग में दे दिए। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे स्टे के लिए कोई प्लेस अवेलेबल है या नहीं, या फिर आपको यहाँ पे स्टे करने की जरूरत है भी नहीं, वो सब के मैंने कॉन्टैक्ट भी दिए। अदरवाइज यहाँ पे जो बसेस फ्री बसेस है वो छोड़ के भी जो भी और भी अदर ट्रैवलिंग से उन सबके मैंने कॉन्टैक्ट दे दिए इस ब्लॉग में। और स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ के यहाँ पे और भी प्लेसेस है घूमने के लिए, तो उसके बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन दे दिए इस ब्लॉग में। तो आप ये ब्लॉग पूरा स्टार्ट टू एंड हर एक चीज़ देख लेना, क्योंकि अगर मिस हो गया तो बाद में मुझे मतलब कुछ मिस हो जाएगा इसमें। सो अभी चलते आज के ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो जैसे आप लोग आए, आप सब अच्छे होंगे। वैसे तो मैं यूजुअली अर्ली मॉर्निंग ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, बट अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, और आपको थंबनेल से पता ही चल चुका होगा कि मैं जा रहा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो मैं आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग से लेके स्टे तक के सारे डिटेल्स एक ब्लॉग में हर एक छोटी छोटी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ। स्टे का इसलिए बिकॉज आप स्टे के लिए जा रहे हो, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी छोड़ के भी वहाँ पे और भी ब्यूटीफुल प्लेसेस है घूमने के लिए, तो वो सब प्लेसेस की मैं आपको इस ब्लॉग में और नेक्स्ट ब्लॉग में भी डिटेल्स देने ही वाला हूँ। तो मेरे पूरे ब्लॉग जरूर देखना, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब पहले ही करके रखिए। तो अभी निकलते हम। तो अभी मैं पहुंच चुका दादर स्टेशन पे, और अभी 11:50 हो चुका है, और ये पीछे मेरे बड़ौदा ट्रेन है जो कल सुबह तक एकता नगर समथिंग 7:30 तक पहुंच जाएगी। सो अभी ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं और हम लोग अभी सूरत में हैं, तो रात भर बिल्कुल भी नींद नहीं आई। तो अभी मैं चुका बाहर थोड़ा टाइम पास कर लें, फिर अभी चढ़ूँगा, फिर से ट्रेन में जाके बैठ जाऊँगा। मयूर तो मस्त ऊपर बैठा है, तो अभी ऑलमोस्ट 3-4 घंटा लगने वाले अभी तक पहुँचने के लिए हमें। सो गुड मॉर्निंग फैम, फाइनल हम लोग पहुंच चुके एकता नगर स्टेशन पे, और अभी सुबह के 8 बज चुके। तो हम लोग ने कल रात को दादर से समथिंग 11:50 को ट्रेन पकड़ा था वडोदरा, और उसका टिकट आपको 310 मतलब 310 टिकट जाएगा, और आपको बुकिंग के लिए पहले से 2 हफ्ते से पहले ही बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट फुल मिला था हम लोग को, क्योंकि अभी क्रिसमस भी चालू होने वाला है कल से। सो अभी आप लोग यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर 1 डे ट्रिप रहेगा तो आप लोग वहाँ पर आगे चेंजिंग रूम पर, तो आप यहाँ पर ही चेंज कर सकते हो, और वॉशरूम वगैरह भी यहाँ पे पूरा क्लीन है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बट हम लोग यहाँ पे रुकने वाले 2 दिन के लिए, तो अभी देखते हैं पहले यहाँ से बाहर जाएंगे और स्टे के लिए कौन सा होटल है नियर बाय वो देखेंगे, और उसकी डिटेल भी मैं आपको आगे ब्लॉग में दिखाऊंगा कि कौन सा होटल है, कौन से कम प्राइस में। तो हम लोग भी वहाँ 2 दिन के स्टे करने वाले, फिर हम लोग फ्रेश हो गए सीधे निकलने वाले। तो अभी हम लोग एकता नगर के जस्ट बाहर ही खड़े, और आप यहाँ का व्यू देख सकते हो कितना खूबसूरत है। तो हम लोग यहीं पे नीचे रुके, और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा इस टाइम पे, तो आप लोग आ रहे हो तो ट्रैवलिंग के टाइम स्वेटर वगैरह सब लेके ही निकलना। और स्पेशली तो हम लोग रूम का देख रहे थे, बहुत टाइम से रूम अवेलेबल नहीं मिल रहा था, ऑलमोस्ट यहाँ पे सामने होटल है बट वो भी फुल था। तो अभी वहाँ से बात की, यहाँ पे एक भैया थे उनसे बात किया, तो उन लोग ने एक अवेलेबल करके दी है, अभी देखते हो कैसा है, आपको मैं आगे बताता हूँ ब्लॉग में। तो फर्स्टली यहाँ पे आते हैं आपको हर किसी के ट्रैवलिंग के लिए, यहाँ पे एक्चुअली बसेज फ्री ट्रैवलिंग है, तो आपको यहाँ पे ऊपर एक ऐप दिखा है, तो आपको डाउनलोड करना है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ ऐप। तो आपको यह एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर फ्री ट्रैवलिंग, और वहाँ पर बुकिंग करना पड़ेगा बाद में। तो अभी हम लोग आ चुके हैं राधे कृष्ण होम स्टे के यहाँ पे, जो एकता नगर स्टेशन के 2 किलोमीटर पे ही है, और यहाँ पे हम लोग को कुछ 1 नाइट स्टे का 2000 प्राइस बता दिया है उन लोगों ने होम स्टे। तो यहाँ पे राइट नाउ तो क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, इसकी वजह से कहीं पे भी रूम नहीं मिल पा रहा है, सब जगह पे फुल ही है। तो अभी फाइनली मिल चुका है, और टिकट का भी बहुत इश्यू हो रहा है, क्योंकि टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। हम लोग ऑनलाइन बुकिंग ट्राई कर रहे थे, तो अभी देखेंगे डायरेक्टली वहाँ पर जाके बुकिंग करने वाले, और उससे पहले हम लोग बाकी के प्लेस भी घूमेंगे, वो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताते ही रहूँगा। पहले आप यहाँ पर रूम देख, यहाँ पर बस सिर्फ सिंगल रूम है, बस बेड डबल है, और यहाँ पे देख सकते हो वॉशरूम है, हीटर है गर्म पानी का, और ये बहुत बड़ा है। सो ये सब की डिटेल मैं बाद में ब्लॉग में डाल दूँगा, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगे हम लोग और फिर निकलेंगे थोड़े टाइम बाद। तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, बट ऑलरेडी टिकट हमारा बुक नहीं हो पाया है, तो हम लोग पहले से वहाँ पर जा रहे, क्योंकि हम लोग को पहले टिकट बुक करना है। और उसके बाद मेन चीज़ तो ये था कि यहाँ पे आप लोगों को अगर स्टे करना है तो मैं नीचे यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे दूँगा, आप कपल फ्रेंड्स या फिर पूरा फैमिली भी आने वाला रहेगा, तो इनके पास 1+ होम स्टे भी है, तो यहाँ पे नीचे मैं कांटेक्ट दे दूंगा आपको, किसी को चाहिए डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो,
क्योंकि यहाँ पे अगर फ्रेंड्स आ रहे हैं दो लोग तो 2000 तक हो जाएगा, और फैमिली आ रहे हैं तो कुछ 4 या 5000 तक आपका हो जाएगा उसमें बजट में। तो हम लोग फ्रेश होकर फिर से स्टेशन पे आए थे आके, क्योंकि हमें अहमदाबाद के लिए टिकट निकालना था कि वहाँ पे भी हम लोग को जाना है घूमने के लिए। तो हम लोग ने पहले एडवांस पे एक टिकट निकाल के रखा, और वहाँ पे भी जो भी प्लेस रहेगा वो आपको थर्ड ब्लॉग में मिल जाएगा कि कौन से प्लेसेस है वहाँ पे। तो जैसे आप लोग स्टेशन से बाहर आओगे तो यहाँ पे बस मिलेगा आपको पहले जाने के लिए, और यहाँ पे सब भी फ्री बस का सर्विस ही है। तो हम लोग यहाँ पे बस स्टॉप पे आए थे, और ये देखो यहाँ पे विजय भैया है, इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट जो बसेस है यहाँ पे वो बस सिलेक्टिव प्लेसेस के लिए फ्री है, और वो जो प्लेस छोड़ के अगर आपको और जगह पे घूमना है ना तो इनका नंबर दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अभी जाते हम लोग टिकट निकाल के फिर बस के लाइन पे रुकना है हम लोग को। तो यहाँ पे भी एक टिकट काउंटर है स्टार्टिंग में, ये दूसरा टिकट काउंटर है, बस का लाइन निकाल। सो हम लोगों ने टिकट ले लिया है, और ये लाइन है बस का पूरा, और यहीं पे खाने के लिए भी मिल जाएगा। तो हम लोग सोच रहे इधर ही नाश्ता कर ले कुछ। तो हम लोग अभी आ चुके स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाहर, बहुत टाइम से वेट कर रहे इस चीज़ का। तो अभी वापस स्टैचू ऑफ यूनिटी है, यहाँ पे हम लोग आगे जाके एंट्री करने वाले, और पीछे देख सकते हो यहाँ पे बस स्टॉप है सब। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए चार अलग अलग अमाउंट है, जो फर्स्ट है 150 का, वहाँ उसमें आप और चार प्लेसेज भी उसमें ऐड है, तो वे मैं आपको बाद में बताऊँगा वीडियो में कि कौन से प्लेसेज है वो। उसके बाद एक 380 का है, जिसमें आप जो टॉप लेवल है स्टैचू ऑफ यूनिटी का वो देख सकते हो। तो हम लोग ने इतना नेसेसरी नहीं समझा था वो, तो हम लोग ने 150 का लिया था टिकट। तो आप आपके हिसाब से वो डिसाइड कर लेना। और जो थर्ड है वो 1000 रुपीज़ का कुछ है, उसके लिए आपको अंदर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, डायरेक्टली एंट्री है, शायद से अंदर लाइन रहेगा हम लोग देखेंगे अभी, क्योंकि आज सैटरडे तो बहुत भीड़ रहेगा ऑलरेडी। और यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग प्लेसेज है, जैसे जंगल सफारी है, बटरफ्लाई गार्डन है, तो सबके मैं आपको यहाँ पे प्राइजिंग दिखा देता हूँ चार्ट। यहाँ पे हर इसका अलग अलग प्राइजिंग है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक दिन में इतना सब होने नहीं वाला है, तो 2 दिन तो लगेगा ये प्राइजिंग है सब। और यहाँ पे मैपिंग दिया है कि कौन सा प्लेस कहाँ पे और कितनी डिस्टेंस पे है। वैसे देखा जाए तो एक दिन में ये प्लेस पूरा घूम के नहीं हो सकता, मतलब लाइक जो भी अदर प्लेसेस भी है, तो आपको यहाँ पे स्टे तो करना पड़ेगा 2 दिन के लिए, तभी आपका सब घूम के हो सकता है आराम से। और पहले अभी देखते हैं, हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी थोड़े टाइम के बाद जाएंगे, उसके पहले हम लोग और 2-3 प्लेसेस घूम के लेते हैं। तो आपको पहले वो प्लेसेस दिखा देता हूँ, उसके बाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या है और क्या क्या देखने मिलेगा आपको। स्टैचू ऑफ यूनिटी इस साइड है, और आपको अगर यहाँ पे कुछ खाना रहेगा ना, आप डायरेक्टली अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ पीछे देख सकते हो, यहाँ पे भी है छोटे छोटे होटल्स वगैरह है जहाँ पे आप लोग खा सकते हो। तो हम लोग जंगल सफारी जा रहे हैं, और आपको बस स्टॉप से 4 नंबर से जंगल सफारी के लिए बस मिल जाएगा, उसका मुझे 200 ही टिकट है। तो फाइनली आप पहुँच चुके जंगल सफारी के बाहर, और बस आपको यह सामने ही ड्रॉप कर देगी। और हम लोग अभी अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है ये दिखा देता हूँ। और जंगल सफारी का मैं अलग से व्लॉग डालने वाला हूँ, तो वो आप जरूर देखना, वहाँ से एंट्री करनी है। सही है अंदर। आगे ब्लैक पैंथर है, यहाँ पे सिस्टर सो रहे हैं। उधर जंगल सफारी की लाइन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए, सब पीछे बैठे होने वाला पूरा एंजॉय। तो राइनो, राइनो अंदर, ओ एक नंबर, बड़े लोग सभी लाइन से बैठे। देखो बर्ड्स के नाम दिख रहे हैं, पोपट, इंडियन पोपट है ना।
बाहर आ चुके हैं और आपको सही में जंगल सफारी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स भी है और एक्चुअली में बहुत सही है, मुझे तो बहुत पसंद आया सीरियसली। तो बैठे आराम से ऊपर है सब लोग, राधे इधर वाइट रेंडियर है यहाँ पे सब, अभी मिला देखने। ये सब एनिमल्स यहाँ पे अवेलेबल है देखने के लिए, इससे ज्यादा ही है। खाने में भी जी जंगल सफारी घूम के हो चुका है अभी। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डैम के यहाँ पे और देख सकते हो कितना खूबसूरत कितना बड़ा है। फिर आगे आपको और दिखाता हूँ पूरा व्यू। तो इस डैम का नाम है सरदार सरोवर डैम और देख सकते हो कितना बड़ा डैम है। और जो हमने 150 पे किए थे यूनिटी के तो इस उसमें ही ऐड हो जाते हैं। तो अभी हम एंट्री ले रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर में और बाहर का व्यू इतना खूबसूरत है इसके। यहाँ पे पूरा फ्लावर्स का गार्डन ही दिखेगा आपको, यहीं से स्टार्ट हो रहा है देखो कितने खूबसूरत दिख रहा है सब जगह पे फ्लावर्स अलग अलग कलर के। अभी यहाँ पे नीचे भारत का नकाशा बनाया गया है, ड्रोन हो तो ड्रोन शॉट से परफेक्ट दिखाई देता हो, बहुत खूबसूरत है। वैली ऑफ फ्लावर में तो घूम के हो चुका है हम लोग का, यहाँ पे बहुत से डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स है और बहुत खूबसूरत जगह है भी। तो यहाँ पे आप लोगों को फ्रेशन अप होने के लिए ना हर जगह पे वॉशरूम्स वगैरह अवेलेबल है, तो उसका कोई टेंशन नहीं होगा हमें। और ये जो जगह है ना वो बहुत ही बड़ा है, बहुत आपको मिनिमम 2 दिन तो ऐसे ही चाहिए घूमने के लिए। अगर आपको रिलैक्स से आराम से घूमना वगैरह पूरा प्लेस एंजॉय करना है तो हम लोग तो एक दिन में ही पूरा कंप्लीट करने वाले घूम के यहाँ से। तो ग्लो गार्डन के आगे आते ही आपको यहाँ पे सब खाने के लिए वगैरह मिल जाएगा, ठंडा वगैरह सब है यहाँ पे अवेलेबल। और वहाँ से लेके आप साइड में गार्डन है तो यहाँ पे आप लोग खाना खाने के लिए बैठ सकते हो, तो खाने का एकदम सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं है। ग्लो गार्डन के यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के यहाँ पे, यहाँ से अभी जा रहे हैं बटरफ्लाई गार्डन के यहाँ जो कि 5 नंबर पे हम लोग को मिलेगी। तो टाइम लगेगा वहाँ पे, बस थोड़ा लेट आती है। तो यूनिटी से यहाँ पे आने के लिए 15 से 20 मिनट लगेगा। तो हम लोग बाहर ही कैक्टस और बटरफ्लाई गार्डन के अभी हम लोग करे आ जाए अंडर एंट्री, देखिए कि अंदर क्या क्या है। रियल कैक्टस है या नहीं पता नहीं, रियल ही होगा। ओ भाई पीछे ही था, जिसको कैक्टस से प्यार है और जो लोग चुभने जैसी बातें करते वो लोग यहाँ पे जरूर आए। जैसे अलग अलग प्रकार के कैक्टस हैं, छोटे छोटे हैं, सब कैक्टस का नाम लिखा है यहाँ पे। कीड़े जैसा दिख रहा है भोपला, अरे भाई असली है। ये किसी को गिफ्ट कर दूंगा मैं, कितना बड़ा है देख सकते हो। अरे तो सेम ही है, भोपले को टेंगुल आ गया, सिंसन जैसे दिख रहा है। तो यहाँ पे ना टोटल 450 अलग अलग जाति के कैक्टस है अलग अलग प्रकार के, तो मैंने व्लॉग में तो ऑलमोस्ट दिखाई दिए। तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत घूमेंगे और निकलेंगे यहाँ से। ये बहुत ही आइया
कीड़े जैसे लग रहे सब, ये मस्त कलरफुल कैक्टस, कलरफुल कैक्टस गार्डन। कैक्टस घूम लिया, अभी बटरफ्लाई गार्डन में जा रहे हैं। कैप्चर तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई बैठा है, मेरे लिए पोज दे रहे, इसकी फोटोज निकल रहे अच्छे अच्छे और बराबर इसके सामने ही बैठा है। बटरफ्लाई गार्डन में मैं बटरफ्लाई ढूंढ रहा हूँ, बस दो ही दिखे अभी तक, एक बटरफ्लाई बैठा है और एक गया। बटरफ्लाई कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। अरे सबसे बड़ी बटरफ्लाई देखो और खुश हो जाओ, और कुछ देखने नहीं मिल रहा है इधर। तो अभी हम लोग व्यू पॉइंट के यहाँ पे जा रहे हैं, ऊपर पूरा टॉप पे यहाँ पे सीढ़ी है। यहाँ पे मेडिसिन वगैरह का दिया है, ऐसे कैक्टस से बनाते रहेंगे लोग। और ये व्यू देखिए, कैक्टस गार्डन के साइड में ही अभी भी खाने पीने के लिए सब। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं कैक्टस गार्डन से और अभी सीधा जाएंगे सचिन रोड, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 4 बज चुका है और सैंडविच ले लिया खाने के लिए, क्योंकि बाद में क्या पता टाइम मिलेगा नहीं। तो अभी वहाँ पे जाने वाले 4 बजे और ऑलमोस्ट आप लोग भी यहाँ पे 4 या 5 बजे तक जाइए, क्योंकि उसके बाद नाइट शो वहीं पर करना है। तो आप पूरा दिन बाहर घूमेंगे फिर वहाँ पर जाओगे तो बेटर रहेगा, डबल डबल जाना नहीं पड़ेगा वहाँ पर। सो चल, तो ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं और फाइनली हम लोग अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी में एंट्री करने वाले हैं। आ गई है अभी अंदर एंट्री कर लिए, तो एंट्री के बाद राइट साइड से आपको सीधा जाना है, ऐसा दिखा वहाँ पे देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो पूरे दिन के भागदौड़ के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने और यहाँ से हमें सीधा सीधा अंदर एंट्री करना है। तो हम लोग जाएंगे भी सीधा आगे। तो जो लोग व्हीलचेयर पे रहते हैं उन लोग के लिए बनाया गया है, और हम लोग इतने आलसी हैं कि हम लोग भी यूज करेंगे, मतलब सभी लोग। आगे आने के बाद यहाँ पे फ्री वाटर करके, और बॉटल का प्राइस 50 रुपीज़, अगर बॉटल नहीं रहेगा तो पानी आप फ्री में ले सकते हो। ऐसे ही वैल्यूटर है ऊपर जाने के लिए। तो अभी हम लोग एग्जैक्टली स्टैचू ऑफ यूनिटी के नीचे है और ये उनका पैर है, मैं तो उनके शूज के साइज में भी नहीं आ रहा है। और ये पूरा हाइट आप देख सकते हो इसका 182 मीटर है पूरा हाइट स्टैचू का, उनका तो पैर में भी नहीं आ रहा है, इतना बड़ी है, उनका जूता भी नहीं आ रहा है। और इतना यूज है ना पूरा ऊपर तक, तो उनको यहाँ से सिर्फ हाथ ही दिख रहे ऊपर देखा रहे। तो यहाँ पे आज बहुत सारे लोग आए, चल अभी हम लोग एंट्री करने वाले स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर। एग्जीबिशन गैलरी में आने के बाद आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल के ग्राफिकल, टेक्सचुअल एंड विजुअल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो कि मैं आपको व्लॉग में आगे दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको क्या क्या देखने मिलेगा। यहाँ पे उनकी हर एक स्टोरी बताई गई है तस्वीरों के सहारे। हाँ जी, यहाँ पे अंदर एक्चुअली ये सब बनाया गया है कि आपको बुक सेल दिखे। बुक
यहाँ पे सभी लोगों की तस्वीरें है पहले की। कुछ एक्टिविटी गेम में लग रहा है, ऊपर भी देख सकते हो। उनके पास में एआई का खुद का कुछ पेज होंगे बहुत सारे। मेरा नाम आ गया यहाँ पे, हम जो भी राइड करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, जाएगा स्क्रीन पे दिखेगा। तो सभी लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। देख सकते कितना खूबसूरत है, अंदर जाके सब बर्ड्स के फोटोज लगाए यहाँ पे। बाहर से कैसा दिखता है आपको दिखा रहा हूँ। हर जगह पे कुछ ना कुछ आपके सब लिखा हुआ है इंग्लिश हिंदी दूसरे की लैंग्वेज में। यहाँ पे देखते हैं अंदर क्या है। तो यहाँ पे डैम के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि डैम कब क्यों और कैसे बना वो सब बता रहे थे। जा रहे बाहर, यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी से आ चुके बाहर, क्योंकि अंदर अभी सब बंद हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं और अभी लाइट्स चालू होने वाले हैं, तो अभी हम लोग उसका व्लॉग निकालेंगे, उसका वीडियो निकालेंगे लाइट्स का। और यहाँ पे आगे भी देखिए कितना मस्त लाइटिंग दिखे। तो बक नागा सर का दिखते वैसे बुदो 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 तो अभी हम लोग आ चुके हैं पार्किंग के यहाँ पे और यहाँ से अभी जाएंगे खाने खाने डायरेक्टली। दिन भर इतना घूमने के बाद अभी बहुत ज़्यादा ही भूख लगी है, तो हम लोग आ रहे होटल यूनिटी में आ चुके हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे चिकन मसाला ऑर्डर किया, तंदूर रोटी और मैंने चपाती ऑर्डर किया। अभी खाएँगे, यहाँ का चिकन बहुत सॉफ्ट है और बहुत टेस्टी भी है। तो अभी हम लोग जस्ट खाना खा के निकल चुके हैं और सोचा नहीं था गुजरात में इतना टेस्टी भी नॉनवेज मिलेगा। तो आप ज़रूर इस होटल में आना अगर कोई यहाँ पे आ रहे तो स्टे के लिए, अभी बहुत अच्छा नॉनवेज मिलता है। और हम लोग का अभी फाइनली हुआ, हम लोग ने बहुत कुछ लिया था वहाँ पे खाने के लिए। सो यहाँ पे भैया रुके ऑटो लेके, अभी ये आएगा तो सीधा जाके सो जाएंगे भाई, बहुत थक चुके ऑलरेडी, कल भी फिर से बाहर जाना है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके फिर से रूम पर और बहुत लेट हो चुका, तो हम कल फिर से कुछ दो नए प्लेसेस पर जाने वाले। तो आप लोग अगर स्टे के लिए आ रहे हो तो वहाँ ज़रूर जाना, क्योंकि दो टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ से वहाँ तक कैसे ट्रैवलिंग करना है और कितना आपको कॉस्टिंग पड़ेगा वो भी मैं आपको कल के ब्लॉग में बताने वाला हूँ, तो नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे जरूर देखना। सो इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो अभी जाते थोड़ा रेस्ट करेंगे हम लोग और मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना है, तो देख दो और भी टाइम लग जाएगा मेरे को सोने के लिए। सो मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।